Hello everyone, myself Ritu Kaushik, Assistant Professor in Civil Engineering Department from RPIT Campus, Karnal. Today is our topic, selection of an irrigation system. Our irrigation system depend on some points. These point, compatibility of irrigation system, topography, economics, soil, water supply, crop, social influences and external influences. First one, compatibility of the irrigation system. The irrigation system for a field or a farm must be compatible with the other existing farm operations such as land preparation, cultivation and harvest. ठीक है, जो irrigation system है बहुत सारी चीज़ों पर depend करता है. जैसे आपने जो land prepare की है वो किस तरीके से prepare की है, उसमें cultivation करवाया नहीं करवाया है, मतलब फिर उसकी harvesting कैसी है, तो इन सब का record अगर आपके पास है या फिर आपको knowledge है. मान लो आपने rice की फसल लगाई है, wheat की फसल लगाई, तो हर किसी का pattern अलग होता है, तो आप आसानी से irrigation को समझ सकते हो. यहाँ पर है फर्स्ट वन, लेवल ऑफ मैकेनाइजेशन, साइज ऑफ फील्ड, कल्टीवेशन एंड पेस्ट कंट्रोल. द यूज ऑफ द लार्ज मैकेनाइज्ड इक्विपमेंट रिक्वायर लॉन्गर एंड वाइडर फील्ड. ठीक है, जो बड़े बड़े मशीन होते हैं ज़्यादातर जो हमारी ज़्यादा जगह होती है उसके लिए हम यूज करते हैं. द इरीगेशन सिस्टम मस्ट नॉट इंटरफेयर विद दिज ऑपरेशन एंड मे नीड टू बी पोर्टेबल और फंक्शन प्रीमियरली आउटसाइड एंड क्रॉप बाउंड्रीज. सच इरीगेशन सिस्टम स्मॉलर इक्विपमेंट और एनिमल पावर्ड कल्टिवेटिंग इक्विपमेंट इज मोर सुटेबल फॉर स्मॉल फील्ड एंड मोर परमानेंट इरीगेशन फैसिलिटी. ठीक है, जो मैकेनिज्म होता है, जो बड़े बड़े इक्विपमेंट होते हैं वो वाइडर फील्ड के लिए होते हैं, जो एनिमल्स वगैरह होते हैं फिर स्मॉलर इक्विपमेंट होते हैं वो छोटे खेतों के लिए होते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास टोपोग्राफी, किस टाइप का एरिया है. सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि किस टाइप का एरिया है. अब जैसे पहाड़ी एरिया है तो वहाँ पे आप अच्छे से लैंड फिलिंग नहीं कर सकते. ठीक है, ये जो डायग्राम में भी दिखा रखा है, तो टोपोग्राफी क्या बहुत एक मेजर फैक्टर है जो अफेक्ट करता है इरीगेशन को, पार्टिकुलरली सरफेस इरीगेशन को. ऑफ जनरल कंसर्न आर द लोकेशन एंड एलिवेशन ऑफ वाटर सप्लाई रिलेटेड टू द फील्ड बाउंड्रीज, द एरिया, द कॉन्फिग्रेशन और द ऑफ द फील्ड एंड एक्सेस बाय रोड्स, यूटिलिटी लाइन्स एंड द माइग्रेटिंग हर्ड, वेदर वाइल्ड और डोमेस्टिक. क्लियर है, टोपोग्राफी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिस पर आपका इरीगेशन डिपेंड करता है कि लैंड आपके पास प्लेन एरिया है या फिर हिली स्टेशन है. तो अलग अलग एरिया के अकॉर्डिंग हमारा इरीगेशन का जो मेथड है वो चेंज होता है. नेक्स्ट हमारे पास रेस्ट्रिक्शन ऑन इरीगेशन सिस्टम सिलेक्शन ड्यू टू टोपोग्राफी का. जब आप सिलेक्शन करते हो, फर्स्ट वन ग्राउंड वाटर लेवल चेक करोगे, द लोकेशन एंड रिलेटिव एलिवेशन ऑफ द वाटर सोर्सेज, फील्ड बाउंड्रीज, एकरेज इन ईच फील्ड, द लोकेशन ऑफ रोड, पावर एंड वाटर लाइन्स, अदर ऑब्स्ट्रक्शन, द शेप एंड स्लोप ऑफ फील्ड. नेक्स्ट हमारे पास इकोनॉमिक्स एंड कॉस्ट ऑफ इरीगेशन मेथड. ये है ही इम्पोर्टेंट. जब आप किसी भी मेथड का जो आप सिलेक्शन करते हो तो सबसे पहले क्या देखते हो, कॉस्ट देखते हो. अब हम अपने बजट के अकॉर्डिंग ही तो इरिगेशन मेथड का चूज करेंगे ना. तो ये क्या कहता है कि दिस द टाइप ऑफ इरिगेशन सिस्टम सिलेक्टेड इन एन इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक डिसीजन. सम टाइप ऑफ प्रेशराइज सिस्टम हैव हाई कैपिटल एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट बट मे यूटिलाइज मिनिमल लेबर एंड कंजर्व वाटर. देर यूज टेंड टू वर्ड हाई वैल्यू क्रॉपिंग पैटर्नर. अदर सिस्टम आर रिलेटिव लेस एक्सपेंसिव एंड कर सकते. मतलब कई सारे सिस्टम ऐसे होते हैं कि जो काफ़ी जो उनकी इनिशियल कॉस्ट भी काफ़ी हाई होती है, लेकिन कई सारे सिस्टम ऐसे होते हैं जिसमें लेस एक्सपेंसिव होता है जब आप उनको बनाते हो. मेन कॉस्ट कौन कौन सी होती है, जैसे एनर्जी, बिजली से चलाओगे ना पानी को, जैसे ट्यूबवेल वगैरह अगर आप ले रहे हो या फिर कोई और है इरीगेशन सिस्टम. वाटर, लैंड प्रिपरेशन, मेंटेनेंस, लेबर एंड टैक्सेस, दीज आर द फैक्टर विच आर इंक्लूड इन इकोनॉमिक्स एंड कॉस्ट ऑफ इरीगेशन मेथड. नेक्स्ट हमारे पास सॉइल. सॉइल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. आपका जैसे बहुत सारी सॉइल ऐसी होती है जो पानी को ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है, बहुत सारी ऐसी होती है जो पानी को कम एब्जॉर्ब करती हैं. तो जो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी है सॉइल की वो कैसी है, तो उस पर भी हमारे इरीगेशन मेथड डिपेंड करता है. क्लियर है, जो सॉइल है, द सॉइल टाइप यूजुअली डिफाइन, फर्स्ट वन सॉइल मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी, सेकेंड द इंटेग्रेट एंड इफेक्टिव सॉइल डेप्थ. ओके, थैंक यू.